साल में तो बहुत महंगाई हो गई है, इसका जरदारी का और इमरान का फड्डा है, ये आज बता दें हम आपको। और कोई बात, इन दोनों की जंग है, जरदारी साहब की और इमरान खान साहब की, दोनों की खबर है उसी के ऊपर ही। हम इमरान खान साहब के खबर ये आई है कि उनके घर में 30 से 40 टेररिस्ट मौजूद हैं और इसके ऊपर ऑपरेशन भी जारी स्टार्ट कर दिया गया। वो देखें जी, जो हुकूमत है वो बेहतर समझती है, आर्मी बेहतर समझती है, रेंजर बेहतर समझती है, क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने जो आगो को बताया है, जरदारी की इमरान खान की जंग है आपस में, और इसमें पिस कौन रहा है, वहाँ पिस रही है, इस जंग का क्या फायदा आज इसका हल क्या है। ये मैं तो कहता हूँ, क्या कहूँ इनके बारे, यार मैं क्या कह दें, कुछ कह दें, आप भी हमसे बेहतर समझते हैं, आप भी तो कुछ कह सकते हैं, हम तो अपनी राय देते हैं। हम आपकी राय लेने आए हैं ना, आप जो तो ले रहे हैं, मैं कहूँ तो इनको उड़ा दो सबको, अच्छा। फर्क कर दो इनको, पूरी असम्बलियों को फर्क कर दो, ये गंद खत्म कर दो। पाकिस्तान कौन चलाएगा ये सारी, पाकिस्तान चल नहीं रहा, चले ये है तो सही, असम्बलियों को ही खत्म कर देंगे, खत्म कर दो, नहीं आए हुक्मरान, नहीं आए, नहीं ऐसे ही होंगे, तो वैसे नहीं होंगे, क्यों ऐसे होंगे, मुझे बताओ तुम्हारे पास कितनी दौलत है। मेरे पास तो बहुत कम है, मैं तो अपना घर मुश्किल से चलाता, रोटी चलाते हैं, तो इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई है, ये मुझे बताओ ना, इनके पास इमरान खान साहब के पास इतनी दौलत कहाँ से आई है, शबाशी वैसे कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, सुनते जाओ, शबाशी के पास इतनी दौलत कहाँ से है, जरदारी के पास इतनी दौलत कहाँ से है, बिलावल के पास इतनी दौलत कहाँ से है, ये पूरे समय कंगले बैठे हुए हैं, हमारे पैसों ये लोग बने हुए हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने तो बड़ी जज्बाती और बड़ी खड़ी खड़ी बातें की हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, एजुकेटेड भी हैं क्या, ये हाल है कि असेंबली खत्म कर देंगे, असेंबली खत्म करने से देखें कुछ होगा नहीं, जब मेन टारगेट किया जाए डिफरेंट, ये जो जिसे आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम, तो उनको टारगेट किया जाए, लड़ाई से कुछ भी नहीं है, तो इकोनॉमी को देखा जाए इस टाइम, इकोनॉमी के बाद इनको चाहिए कि अपने वर्ल्ड को देखें, उनके मुल्क को रिलेशन आपस में बेहतर करेंगे ना, अमेरिका इस टाइम जैसे भी चल रहे, देखें आप बाहर की सुनते हैं तो आप अपनी नहीं मान रहे, आप बाहर की मान रहे हैं, आप अपने आप को स्टेबल इतना करो कि ताकि आपको कहीं पर जाके खड़े होते हो तो आपको पता चले कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, वो आपको ऐसे ना बिलोंग करेंगे, यार ये देखो ये आपस में लड़ते हैं, हमें क्या देंगे सबक, हमें शर्म आए कहीं पर जाके ये बताते हुए कि हम पाकिस्तानी जी, ये देखो ना, अगर आप खुद के लड़ रहे हो यहाँ पे, कल आप किसी जगह पे जाए खड़े हो गए तो वही कहेंगे यार यहाँ पे लड़ रहे हैं तो यहाँ हमें आके सबक दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं होते, इनको खुद स्टेबल होना चाहिए ताकि ये कल को बाहर की किसी कंट्री में जाते हैं, IMF जैसा करते हैं ये, तो वहाँ जाके भी जब खड़े हों तो पता चले पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ यकीन तो करें। हाँ जी, तो ये बताएं, जो अभी खबर आ रही है कि 30-40 टेररिस्ट इमरान खान साहब के घर में मौजूद हैं, ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी तो पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा, बदनामी है पाकिस्तान की, बदनामी है, तो फिर जिसने ये खबर चलाई है उसे सोचना चाहिए था कि क्या आपको लगता है वाकई वहाँ पे होंगे। देखिए जी, वो आपको पता है कि हमारी इंटेलिजेंस बहुत तेज है, पूरी दुनिया में इतनी तेज इंटेलिजेंस नहीं है जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, फिर भी आए दिन अटैक हो रहे होते हैं, अल्लाह की रहमत से जितनी मर्जी कंट्रियां इकट्ठी हो जाएं, पाकिस्तान का बाल भी भींगा नहीं कर सकते, ये अल्लाह की रहमत, इतनी पावरफुल है, एटमिक टेक्नोलॉजी है, तो हम भी करते हैं, लेकिन उसामा बिन लादन पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो हमने खुद क्यों नहीं पकड़ लिया, वो उन्होंने क्यों पकड़ा, छोड़े बताएं, नहीं नहीं, सऊदीया पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, कतर पाकिस्तान के बगैर नहीं, तुर्की पाकिस्तान के बगैर नहीं है, चाइना पाकिस्तान के बगैर नहीं है, इतना पावरफुल है इंडिया, इंडिया क्या है, चिड़ी का हार है, ये कोई मुल्क है, पांचवी बड़ी इकॉनमी है इस टाइम, क्या इकॉनमी है जी, नहीं आप इसको मानते हैं, आप तो बिजनेसमैन हैं, आपको तो पता होना चाहिए, वो इंडिया क्या है, और पाकिस्तान से आगे कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते, मैं भी यही कहता हूँ, मेरा दिल नंबर वन इकॉनमी भी यही कहता है, लेकिन जब जज्बात में हो तब ये, जब है, जब रियलिटी में हो ना, आपको पता है 1989 तकरीबन 88-99 में पाकिस्तान की करेंसी प्लस थी, थी अब जो इनकी करेंसी प्लस है, वही मैं बात कर रहा हूँ, आगे निकल के ये गफलत इनकी है, हुक्मरान ऐसे हैं, गफलत इनकी है, देखे कुवैती दिनार कहाँ चला गया है, सऊदी रियाल कहाँ चला गया है, हमारी करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया है, स्टॉक चेंज माइनस कर दी इन्होंने, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। अच्छा आपने बोला पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज मिल जाए, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते, मैं भी ये चाहता हूँ कुछ नहीं कर सकते, 1971 में जो हो गया वो
ये कलमे के नाम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, हाँ, इसकी पावर इतनी ताकत है। 1971 में दो टुकड़े हो गए हमारे। वो जो आपकी बात वो ठीक है, वो तब का तो मैं पता नहीं है, वो गफलत हो गई थी, वो गफलत हो गई, वो कोई बात नहीं, पाकिस्तान के सारे आ जाते हैं पाकिस्तान, हाँ। लेकिन कोई गारंटी है कि आइंदा ऐसी गफलत? अभी तो इमरान खान साहब ने रिसेंटली ये कह दिया है कि जो सिचुएशन है वो 1971 जैसी बनी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। मैंने आपको बताया जरदारी का और इमरान खान का पट्टा है। तो ये पट्टा खत्म कैसे होगा फिर? वाइंड अप ये देखे कितनी, मैं बताता हूँ, इनका फड्डा इसलिए होता है, उसको भी शूट कर दो, उसको भी कर दो, दोनों खत्म खत्म। पब्लिक को क्या फायदा होगा? पब्लिक को फायदा, सुकून हो जाएगा पब्लिक को भी, देखे ना बड़ी तादाद में लोग खड़े हो गए ना, वो मैं आपको बिल्कुल सही कह, दम है मेरी बात में, है ही दम है, फड्डा इन दोनों का है, मैं 100% कहता हूँ फड्डा इन दोनों का है। मीडिया ये चीजें क्यों नहीं बताती? मीडिया मीडिया तो खुद करप्ट है, वो 200 रुपए बिक जाने वाले मीडिया, सारे ऐसे नहीं, वैसे होते सभी एक जैसे नहीं है, तो क्यों नहीं है? मीडिया क्यों नहीं काम सही कर रहा? देखिए मैं तो, अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया से, हम आपकी बात पहुंचा नहीं रहे, बात पहुंचा रहे हैं, ये बात क्यों नहीं सही पहुंचाते? हक की क्यों नहीं बात निकालते? मुझे बताओ किस चीज की कमी है? एक एंकर है, उसके पास करोड़ों रुपए रुपए हैं, वो कहां से आते हैं? कहां से आते हैं आप बता दें? ये आप तो भी इमरान खान और ये जरदारी, क्या पता हो जरदारे देते हैं, क्या पता देते हो, क्या पता देते हो? ऐसे तो फिर कभी चेंज नहीं आएगा, ऐसे हम एक दूसरे पे इल्जाम। मैं तो यही कहता हूँ, जनरल ज़िया का वक़्त आपने नहीं देखा? लेकिन सुना है, सुना है, अच्छा इस्लामाइज़ेशन के बारे में उसने, मुशर्रफ का आपने वक़्त अच्छा नहीं देखा? वो बहुत अच्छे वक़्त गुजरे इनके, जनरल ज़िया के भी और मुशर्रफ के भी, आपको सारी जो सही बातें बता रहा हूँ, ज़िया का दौर भी अच्छा गुजरा है, मुशर्रफ का दौर भी अच्छा गुजरा है, इतनी माइनस चीज़ें नहीं थी। कैसे मार्शल्ला के दौरान अच्छा कैसे गुजर गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डॉलर बाहर से आते थे उसकी वजह से स्टेबिलिटी? मैं आपको 100% ये जो जनरल साहब है ना, ये अब अभी के अब जो जनरल साहब है, ये काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काम, ये खामोश तबीयत किए हैं मगर काम अच्छा कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब उन्होंने देखो स्टैंड लिया है, तो ये जो मामला जो हुए हैं आखिर गिरफ्त में किए ना आपकी इंटेलिजेंस ने, गिरफ्त में किया कि नहीं किया? अगर वो चाहता ऑर्डर देता शूट कर दो, क्या शूट नहीं कर सकते? शूट हुए हैं कि नहीं? ये ईमानदारी से शूट हुए हैं कि नहीं? नहीं, आप ही आगे उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर दिया या नहीं? शूट हुए हैं लोग के नहीं? नहीं लोगों के बारे में शूट हुए हैं, ये जो नहीं चली शूट हुए नहीं है। देखा जाए तो अब देखें, कल फवाद चौधरी ने भी तो बयान दिया ना कि पाकिस्तान है फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम है, तो मैं भी कहता हूँ फौज है तो पाकिस्तान। उस टाइम क्यों नहीं कह रहे थे कि यार जब ये हमला कर रहे थे फौज पे, तब इनको पाकिस्तान का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? तब पाकिस्तान का ख्याल बिल्कुल नहीं था, अब उनका ख्याल है। अब तो वहाँ मीडिया वाले निकले बाहर, फौज के हक में निकले और कहे ये मामले सारे ठीक करो। हम तो कहते हैं मैं जितने भी है ना, जितने चैनल है आपके ना, सब निकले बाहर, वहाँ के हक में निकले सारे, डोर टू डोर। पब्लिक को ऐसा कहना चाहिए, पब्लिक को करती है ना, पब्लिक को बायकॉट करना चाहिए, जो झूठ बोलता है मीडिया उसको बायकॉट। बेटे पब्लिक तो करती है, बायकॉट तो कर रहे हैं और क्या, आप भी लोग निकलो ना, हम भी निकले हैं, सीटों पे रहिए, वहाँ पे बैठ के ना सजावट बायकॉट करें, हम बायकॉट। आप चार वो बैठ गए, चार वो बैठ गए हैं, मैं बाहर खड़ा आपस में लड़ रहे हैं, तो रोड पे खड़ा हूँ, रोड बड़े अंकल आप तो देखे ना मारे हैं, हम तो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, सीख रहे हैं इसे ऊपर से, रोड पे नहीं कर रहे हैं, रोड पे नहीं खड़े, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छी बात है ड्यूटी, और देखो ना आप सब बैंकर निकलो बाहर, मैं आपको बताऊं, आप हर लोगों का बयान ले रहे हैं, आपकी ड्यूटी है मेरे भाई, ऐसे ही अपनी अपनी ड्यूटी करे तो पाकिस्तान वैसे ही बेहतर हो जाएगा। हाँ तो बेहतर तो होगा, लेकिन बेहतर करने वाले रेट क्या है? 2200-2300 रुपए का तोड़ा है, कहाँ चला गया? 500-600 रुपए किलो का, 20 किलो आटे का, आटा कहाँ है? किसका? ये भी मीडिया वालों का, ये मीडिया की बात तो कर रही ना, मैं बता रहा हूँ मीडिया के, तो वो बात बताइए ना, वहाँ पे सीटों पे बैठ के तो बात करते हैं मीडिया वाले, चार उनके बैठ गए आपस में लड़ते हैं। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़रई मुल्क है, तो फिर भी हमें गंदुम वीट बाहर से देखे ना, आप इतना महंगा क्यों है? आपकी बात भी ठीक है बेटे, ये बाहर जो अब जो सैलाब वगैरह आए सिंध में, कितना नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अब उसको स्टेप तो लगता है, टाइम तो लगेगा ना। अब ये हम डैम बना लेते तो डैम वो ही बना सकता था मुशर्रफ, मुशर्रफ इसी वजह से आया ना कि हम पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़िया साहब होते या मुशर्रफ होता
ये अब ये जनरल साहब है, ये डैम बनवाए। अच्छा, ये यहाँ पे दूसरे अंकल से बात की, बड़ा अच्छा लगा। दूसरे जवान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यार चेंज आ सकता है या ऐसे ही मैं रोड पे आऊंगा, माइक शेक उठाऊंगा, वीडियो करेंगे, खत्म हो जाएगा कि चेंज आ सकता है आपके ख्याल में? कोई तब्दीली, कोई बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान में? देखो भाई, बेहतरी आ सकती है अगर आपस में डिस्कस करें तो, आपस में इत्तेफाक हो तो, आपस में इत्तेफाक हो तो फिर डिस्कस हो, खत्म होगी तभी आएगा इंसाफ यहाँ पे। ये चोर है, इन्होंने 70 सालों से क्या किया है, मुल्क को पीछे ही लेके गए हैं। चोर हम ही इन्हें वोट देते भाई, ये हमारा ही गलती है ना, हमारी गलती है, पब्लिक की गलती है, गवर्नमेंट की गलती। बिल्कुल, हमें चाहिए कि कोई अच्छा इंसान चूज करे ना। अभी खबर जो चल रही है, जिस पे हमने वीडियो स्टार्ट की थी, कि इमरान खान, खबर के मुताबिक इमरान खान साहब के घर में 30 से 40 टेररिस्ट मौजूद है, इस खबर को आप कैसे लेते हैं? ओ भाई, हम कहेंगे ये नवाज शरीफ के घर में भी है, मान लिया जाएगा? किसी के कहने, किसी के कहने तो से तो नहीं ना फर्क पड़ता। ऐसी बातों से जब हम ऐसी खबर देखते हैं, और खास तौर पे जब पाकिस्तान के अपनी गवर्नमेंट ऐसी अगर खबर देती है, इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल पावर्स पे इसका क्या असर पड़ता है, ये सोचने वाली बात है। इमरान खान साहब के घर में टेररिस्ट मौजूद हैं नहीं हैं, लेकिन जो हमने स्टेटमेंट दे दी, उससे पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान को लेकर, ये एक सोचने वाली बात है। आप में से अगर कोई बात करना चाहे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अभी खबर ये आई है कि इमरान खान साहब के घर में 30-40 टेररिस्ट मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बस ये बहुत ज्यादा है, ये पहला दफा जो इस तरह हुआ इमरान खान को पकड़े तो हालात बड़ा खराब हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। पॉलिटिक्स में तो ऐसे होता है ना, कभी किसी पॉलिटिशियन को पकड़ा जाता है, कभी किसी को, इसका मतलब ये है कि हम फिर प्रोटेस्ट करें? प्रोटेस्ट भी हमारा राइट है, लेकिन नुकसान पहुंचाएं? नुकसान बहुत हुआ, पहला दफा भी बहुत नुकसान हुआ, अभी पकड़े गए तो और भी नुकसान हो जाए। अब दोबारा अगर पकड़े गए तो मजीद नुकसान होगा? बस जुलूस से आओ, ये ताजर का नुकसान है, दुकानें बंद हो गए तो नुकसान हो। क्या लगता है खान साहब, दोबारा पकड़े जाएंगे कि नहीं? लोग पकड़ेंगे दोबारा उन्हें, अदारे पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? पकड़ के नुकसान ही है, क्या समझे, हालात खराब होंगे, आगे हालात खराब है। इमरान खान भी गोली मारी जाए, नवाज शरीफ को मार दे, कोई अच्छा आदमी आए पाकिस्तान के अंदर? इमरान खान साहब को भी गोली मार दे, नवाज शरीफ को भी मार दे, जितने भी गंदे आदमी ना, खराब आदमी है, सबको खत्म कर दो। आवाम तंग आ चुकी है, मतलब ये नहीं कि इमरान खान से नफरत है या नवाज शरीफ से नफरत है, ये नफरत है कि बेहतरी क्यों नहीं आ रही। हमारे भले कहते थे अयूब खान का दौर अच्छा था, बुड्ढों का दौर अच्छा था, मुशरफ का दौर भी अच्छा था, जिया खान का दौर भी अच्छा था, यानी जितने ज्यादातर जो मार्शल्ला जिन्होंने लगाए उनके दौर अच्छे थे। बुड्ढों ने मार्शल्ला तो नहीं लगाई थी ना, तो ने नहीं। अगर ज़ियाउल हक की बात करें, मुशरफ की बात करें, वो टाइम थे ना, मजदूर आदमी पेट भर के खाना खाता था, अपने बच्चे के लिए रोटी लेके जाता था कमा के, टिकेटियाँ कतलेआम नहीं होती थी इतनी। आज तक कानून अन्ना है, पैसे वाले का कानून है, सबको अगर मार दिया जाएगा, वहां जितनी देखे तंग आई है, लेट्स सपोज अगर मार दिया जाएगा, आपके ख्याल में इस टाइम कौन सी ऐसी पार्टी अच्छा है, कौन आए? अब हम चाहे ना आर्मी को ले आए, कोई रिटायर फौजी को ले आए, रिटायर फौजी को ले आए। हाँ ठीक है, आप एग्री करते हैं इनकी बात से, मानते हैं? ये सारे चोर है यार, सीधी बात है, ये आवाम का कुछ नहीं सोच रहे, इनको अपनी पड़ी हुई, अपनी सीटों की पड़ी हुई। आपने बोला के क्या ना, हाँ बिल्कुल, ये भाई इधर बात कर रहे हैं, हमें कुछ कंसर्न नहीं है, हमारी दिहाड़ी, क्या कहा आपने? मैंने कहा मजदूर बंदे की जो दिहाड़ी थी ना, वो जो दिहाड़ी पे काम करते हैं 700-800 है, जो छोटा सा मजदूर है, तो उसको बढ़ाए ना, अगर महंगाई करें तो उसकी मजदूरी को भी बढ़ाए, 1500 करें। मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पे मजदूर तो जाहरी बात है यही कहेगा कि भाई हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें अपना घर पालना है, घर पेट पालना है, हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए। आपने कहा कि किसी रिटायर फौजी को ले आए, कौन सी ऐसी दुनिया की पावर है या कंट्री है जो बेहतर इकोनॉमी है जिसकी, और वो रिटायर फौजी के थ्रू चल रही है? रिटायर फौजी हो चुका है ना, इस आंदे पहले पूरे फौज का सदर बना शरीफ की। हाँ जी, वो होता ना, उसने बोला था ना, मैं सियासतदान मैं साइन करके देना, मैं पाकिस्तान में एक महीने में सही कर देना, किसे साइन नहीं करके दिए सियासतदान ने, पता था सब ने उन्हें कब्जा कर लेना, पकड़ लेना थी, आओ जी पिछला साफ दियो। अच्छा लगा बात करके, यहाँ पे हारे की जो ओपिनियन थी वो आप तक पहुँचाई, और आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तारक भट्ट। आपका नाम? मेहताब हुसैन। क्या करते हैं आप? ये सेलमैनी करते हैं। सेलमैनी करते हैं, जो इस टाइम कंडीशन है पाकिस्तान की, हालात जो चल रहे हैं, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? आपका कारोबार जो है वो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, और जब से ये साथ शुरू हुआ है काम तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क, हम सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि बिस्मिल्ला भी नहीं होती।
जैसे आते हैं वैसे घर वापस चले जाते हैं। अफसोस वाली बात है, पूरा घर चलाना आता है, बड़े मसले होते हैं। लेकिन खैर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी खबर के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से यह खबर आ रही है, अदारों की तरफ से यह खबर आ रही है, मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि इमरान खान के घर में 30 से 40 टेररिस्ट मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ऑपरेशन प्रॉपर स्टार्ट कर दिया गया, पुलिस की नफरी इर्द गिर्द आ गई है। जो कुछ हुआ है 9 मई को, तो जो उसका रिजल्ट इतना गंदा निकला है कि वो काम जो इंडिया नहीं कर सका था आज तक, हमने खुद करके उनको दिखाया है। तो लाजमी बात है कि जिन लोगों ने किया वहाँ, उन्होंने किसी ना किसी जगह पे पनाह तो ली होगी ना, कहीं बैठे होंगे। नहीं, ये आपको नहीं लगता, ठीक है आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन 30-40 टेररिस्ट और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हों, वो उनके घर में कैसे जा सकते हैं? और अगर उन्होंने रखना भी था, अपने घर में ही रखना था। ये देखें, ये चौधरी परवेज अलाई साहब को पकड़ने गए हैं तो वहाँ पे ही थे, पकड़े गए हैं नहीं ना गए, ये भी पकड़े नहीं जाने, ठीक है। वो बेशुमार रस्ते हैं। जब परवेज मुशरफ साहब जो है, जब उन्होंने अटैक किया था खान साहब के ऊपर, तो खान साहब पिछली दीवार पर लांग के निकल गए थे ना, सबको याद है। वो खुद भी इस चीज की तायद करते हैं कि ऐसे हुआ था, तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। ये जो आपने भी बात की कि वो काम जो इंडिया नहीं कर सका 75 साल में, वो हमने कर दिया या इन्होंने कर दिया, इंडिया ने क्या मतलब करना क्या था, या क्या इंडिया कौन सा काम है जो ये करना देखे ना, चाहता था नहीं हुआ। देखे ना, हमारी यादगारों को अपनी शोधा की जलाना, तो इंडिया तो खुश हो रहा होगा कि ये तो जो काम हम करना चाहते हैं ये खुद कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये कोई कुछ और लोग हैं, ये प्लानिंग के तहत लंदन प्लान, कुछ लंदन प्लान कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। देखे मेरी बात सुने, ये जो फजलुर्रहमान साहब ने किया है अदलिया के सामने, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे कुछ हुआ है? नहीं, वहाँ पे तो गेट फलांगे गए हैं, लेकिन इस तरीके से वैसे नहीं, ये नहीं ना हुआ। इस तरह अगर लीडर चाहे तो नहीं होता, और लीडरों की मर्जी शामिल हो तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो इमरान खान साहब यानी लीडर की मर्जी से हुआ है, जो कोर कमांडर के घर को तोड़